सभी लोगों का मेरे चैनल शिल्पा के इस ब्लॉग में ढेर सारा स्वागत है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने। क्रिसमस की छुट्टियाँ लगी हुई है तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। आज है संडे। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग अभी हम बता नहीं रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब हम उसका नाम भी बताएंगे। तब हम उसका नाम भी बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है गाइस। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। नित्या का स्कूल आ गया है। दोस्तों ये हमारे घर से बहुत दूर है, 35-40 किलोमीटर है। तो काफी टाइम लगेगा हम लोगों को वहाँ पहुँचने में। आप वीडियो में बने रहिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम आपको वहाँ पहुँच कर बताएंगे, है ना। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और नित्या की मम्मा कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। देखो नित्या कितनी क्यूट लग रही है, ये देखो। आहा चश्मा वश्मा भैया बॉच। देखो पेपा पिक वाली बॉच लगा कर आई है, पहन कर आई है पेपा पिक की बॉच। लाइट जला के दिखाओ दोस्तों को, बताओ जल रही राइट। नहीं सेल नहीं, वो अभी नाइट में दिखती है उसकी लाइट, ऐसे नहीं दिखती। भैया चश्मा वगैरह वॉच वगैरह न्यू कपड़े, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे तो मजे है मजे। क्यों नित्या पार्क जा रहे हम? कहाँ जा रहे? पार्क? नहीं नहीं अभी अपन को बताना नहीं है कहाँ जा रहा है, ठीक है बाद में बताएंगे। जाओ अपन पहुंच जाएंगे ना फिर बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। हम कहाँ हैं? हाँ बस इतना बता दिया है कि बहुत दूर है, है ना। 35 किलोमीटर जा रहे हैं हम। तो आप लोग हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। नहीं बोला किया, नित्या चॉकलेट खा रही है। मम्मा ने खा ली है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप नहीं क्या थी? लॉलीपॉप पॉप्स, कलरफुल पॉप्स, है ना नित्या। रेमो पॉप्स आ करके देखा, ऑरेंज हो गई नित्या की टंग तो। पर जा रहे हैं वो 2 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है। वही देखिए 2 किलोमीटर का रास्ता कितना कच्चा है, पत्थर ही पत्थर का है रास्ता और बहुत ही पतला रास्ता है। तो संभल कर ही आप लोग जाइएगा यदि आप लोग भी यहाँ आने का प्लान करते हैं तो। और पास ही है, बस आने ही वाला है लेक हमको दिखने लगेगी। ये देखिए लेक हमको दिखने लगी है, पानी दिखने लगा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वो पानी के आसपास ही है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए दोस्तों, आगे थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं आपसे। ये देखिए गाइस हम लोग आ गए हैं और ये देखिए कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ी पार्क में लगी हुई है। देखिए पार्किंग में कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। आज क्रिसमस डे है और संडे भी है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है इस जगह पर। ये देखिए मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है पार्किंग के लिए। ये पार्किंग एकदम फुल हो गई है, ऐसी ही 4-5 पार्किंग है वो भी एकदम फुल जा रही है। क्योंकि ये नई जगह है और क्रिसमस का डे है और संडे भी है तो लोग ज़्यादा आए हैं इस जगह पर घूमने के लिए। तो मैं आप अब हम चलते हैं मेन गेट पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर में हम लोग कहाँ पर आए। तो ये देखिए मैं मेन जगह आ गई हूँ और लाइन देखिए टिकट की लाइन लगी हुई है और ये मेन गेट है। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सबसे पहले हमें स्टेचू मिलता है एलिफेंट का आगे, जिसमें नित्या ने बहुत मस्ती की इसके साथ, स्टेचू के साथ उसको कंकड़ से खूब मारने लगी नित्या। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि मैं आई हूँ लवर पैराडाइज दोस्तों, जो पुणे की बहुत ही अच्छी जगह है और ये अभी अभी खुला है तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना मेरी क्रिसमस पे हम लोग यहीं आए घूमने के लिए। फर्स्ट टाइम आए हम लोग, बहुत दूर पड़ा हम लोगों को आने में। तो दोस्तों ये 35 किलोमीटर पड़ा हमारे घर से और ये देखिए पीछे लेक भी है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखिए
शाम को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, और बोटिंग भी होती है। बोटिंग का चार्ज यहाँ पर अलग है। तो और मैं आपको लवर पैराडाइज का वो भी दिखा देती हूँ पैकेज, आप पैकेज देख लीजिएगा यदि आप आना चाहते हैं, यदि आप प्लान करते हैं आने का। तो ये पैकेज है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यदि आप आना चाहते हैं। और हमने सिर्फ लवर पैराडाइज का ही पैकेज लिया है 250 रुपये का, और बच्चों का 200 रुपये टिकट है। इसमें प्लस GST भी ऐड है, तो हमने सिर्फ वही लिया है, क्योंकि हमने ये कोई पैकेज नहीं लिया है मतलब ब्रेकफास्ट का, लंच का, ऐसा कोई पैकेज नहीं लिया है, क्योंकि बहुत महंगा था और हमें सिर्फ लवर पैराडाइज घूमना था, इसलिए हमने पैकेज नहीं लिया वो वाला। सिर्फ हम लवर पैराडाइज घूमने के लिए आए। देखिए नित्या, ये बूढ़े बाबा का स्टेचू बना हुआ है जो डंडा लेकर धोती पहन कर अच्छे से बैठे हुए हैं, तो नित्या इनके साथ मस्ती कर रही है। नित्या का टाइम पास इसी से हुआ है, क्योंकि हमको पूरे पौन घंटे लग गए थे इस लाइन में खड़े हुए। तो हम जल्दी से टिकट ले लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। और ये दादा ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल रियल में ही बैठे हो। इनकी धोती देखिए पूरी नीचे आ गई है और डंडा लेके बैठे हुए हैं। नित्या ने इनके साथ बहुत एंजॉय किया, पूरे 40 मिनट लाइन में खड़े होने के बाद हमें टिकट मिल गया है। अब हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाते से ही नित्या की मुलाकात हुई सेंटा क्लॉज से, और उन्होंने नित्या को एक चॉकलेट भी दी। ये देखिए आप लो, एंट्री हो गई है अंदर जाने की। ये देखिए हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड काऊ और बछड़े का जोड़ा मिलता है, मतलब वाइट कलर का स्टेचू मिलता है जो बहुत ही प्यारा लगता है, और नित्या इनके साथ खेलने लगती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सेल्फी वगैरह ली और फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, और यहाँ पर बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है, तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, तो ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं तो नित्या सेंटा क्लॉज के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही है। बहुत ही प्यारा व्यू है, देखिए फ्लावर वगैरह ही बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं। नित्या ने फ़ोटो खिंचवाया सेंटा क्लॉज के साथ, जो सारे बच्चों को चॉकलेट बांट रहे थे। एक अंकल वो सेंटा क्लॉज बने हुए हैं, सभी बच्चों को चॉकलेट बांट रहे हैं, और मैंने भी इनको वीडियो में ले लिया है ताकि आप लोगों को भी दिखा दूं कि ये देखिए सेंटा क्लॉज वाले अंकल मेरी वीडियो में आ गए खुद ही। हैप्पी क्रिसमस। मैंने इनके साथ सेल्फी वगैरह भी ली है जो मैं आपको लास्ट में वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अब हम थोड़े और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमको वो जगह मिलती है जहाँ हम पैकेज वगैरह लेते हैं ना, तो वहाँ का चाय कॉफ़ी और लंच वगैरह जो होता है वो उसी जगह पर होता है जो पैकेज लेते हैं हम। हाँ पैकेज है ना, उसमें अंदर खाने पीने का है, यहाँ यदि खाना पीना है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे गए तो ये हमें टॉय ट्रेन देखने को मिली जिसका चार्ज अलग से है। लेफ्ट हैंड साइड सेल्फी पॉइंट है हार्ट का, जिसमें फैमिली कपल्स वगैरह अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। फिर थोड़े ही उसके आगे ऐसा छोटा बच्चों का बोटिंग है, जो बच्चे बोटिंग कर रहे हैं। तो नित्या के लिए कोई बोट खाली नहीं थी, तो नित्या ऐसी पानी में उतर गई है, तो पानी से ही खेलने लगी। नित्या जब बोट खाली होगी तो बोटिंग करेगी वो, तो मैंने उसको थोड़ा सा सेल्फी। और ये देखिए ये वही जगह है जहाँ लोग लंच वगैरह चाय वगैरह का जो पैकेज लेते हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चों की बोटिंग देख रहे हैं। ये देखिए मैंने भी थोड़ा सा सेल्फी वीडियो में बता रही हूँ आपको, और पीछे बोटिंग है और साइड में वही लवर जो हार्ड वाला सेल्फी पॉइंट है। ये देखिए इंतज़ार करने के बाद नित्या को बोट मिल गई है, और नित्या भी बोटिंग करने लगी है। उसको नहीं आ रहा करना, पेडल घुमाना नहीं आ रहा है उसको, वहीं के वहीं घूम रही है। फिर भी उसने ऐसे तैसे करके थोड़ी बहुत कर ही ली है। उसके बाद मैंने थोड़ा और आगे जाकर क्रिसमस ट्री के साथ थोड़ी सी वीडियो वगैरह ली और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए, क्योंकि क्रिसमस का डे था तो क्रिसमस ट्री तो होना ज़रूरी था। और थोड़े और आगे गए तो देखिए इस तरीके से स्टेचू वगैरह लेटे हुए हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए आगे एक और स्टेचू बैठा हुआ है,
आगे हमें फिर से सेंटा क्लॉग मिल गए हैं। वो वही अंकल है जो हमें पहले मिले थे, वो सब में घूम रहे हैं। और ये देखिए टॉय ट्रेन आ गई है वापस से, तो थोड़े आगे बढ़े हम लोग। तो ये देखिए टॉय ट्रेन में बैठ गए। तो टॉय ट्रेन में वैसे तो अलग से चार्ज था 100 रुपये पर पर्सन, लेकिन बच्चों के लिए फ्री था। तो ये बार मैं अंदर से दिखा देती हूँ, इस तरीके की सीट है टॉय ट्रेन में। तो हमने नित्या को बिठा दिया था क्योंकि हम लोग काफ़ी बार बैठ चुके हैं, तो सिर्फ नित्या को हमने बिठा दिया था ताकि उसको अच्छा लगे। नित्या तो गई टॉय ट्रेन में एक राउंड लगाने के लिए। तो मैं थोड़ी आगे बढ़ी तो ये देखिए लंबे से अंकल जो नीचे डंडा वगैरह लगा कर खड़े हुए जो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी कर रहे थे, तो मैंने इनको सेल्फी वीडियो में ले लिया है। लोग इनके साथ फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। आप नहीं आएंगे? तो बस आज क्रिसमस है तो नई नई चीज़ देखने को भी मिल रही है। और ये देखिए नित्या की टॉय ट्रेन एक राउंड लगा कर आ गई है, कितनी प्यारी लग रही है टॉय ट्रेन, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो नित्या टॉय ट्रेन से उतर गई है। अब हम थोड़े और आगे गए तो ये देखिए स्विमिंग पूल मिलता है हमको छोटा सा। इधर जो लोग रिसोर्ट बुक करते हैं उन लोगों के रूम्स वगैरह हैं यहाँ पर रुकने के, बहुत ही प्यारे प्यारे रूम्स हैं। मैं अंदर से तो नहीं गई, बाहर से ही अच्छा लग रहा था। छोटा सा स्विमिंग पूल है, यहाँ रुकने की व्यवस्था है, पूरे रूम्स वगैरह हैं जो लोग रिसोर्ट बुक करते हैं उन लोगों के लिए। बस अब हमने इससे बाहर निकल गए और थोड़े और आगे गए तो अब देखते हैं क्या आता है। टू चॉकलेट, नारियल पानी, एक एक दो बार दे दे उसको। अब हम लोग आ गए जिस जगह का हमने टिकट लिया था, लवर पैराडाइज का। दोस्तों हम बस यही घूमने आए, लवर पैराडाइज जो बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए आइट साइड का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सब बताऊँगी मैं आपको वीडियो में, यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या होता है, सब दिखाऊँगी। तो अभी हम लवर पैराडाइज में अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए अंदर आ गए हम लोग लवर पैराडाइज के, और सबसे पहले हमको देखने को मिलता है ये हार्ड वाला सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ पर हमने भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करे, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था ये सेल्फी पॉइंट। और नित्या को देखो फोटो क्लिक करवा रही है डांस करते हुए। यहाँ का माहौल बहुत ही प्यारा था क्योंकि गाने वगैरह बज रहे थे और स्प्रिंकल वगैरह मतलब पानी की फुहारे वगैरह आ रही थी, बहुत ही प्यारा माहौल था। सॉन्ग वगैरह भी इतने अच्छे बज रहे थे, माहौल को बहुत ही अच्छा बना के रखा था इन लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पर। ये देखिए कितना प्यारा स्प्रिंकल हो रहा है, पानी के फुहारे वगैरह चल रहे हैं। ये देखिए मैंने एक्साइटमेंट में वीडियो थोड़ा लंबे में बना ली थी। अब हम थोड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये ऊपर से देखिए व्यू दिखा रही हूँ। ये है मून जो ऊपर की ओर बढ़ता है फिर नीचे की ओर जाता है, तो लोग यहाँ पर वीडियो वगैरह और फोटो वगैरह लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा था, ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको पूरे लवर पैराडाइज का। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए लवर पैराडाइज बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर आइएगा यदि आप पुणे में रहते हैं तो। ये देखिए स्टेचू घूम रहा है, और ये देखिए हम ये कपल के अंदर नीचे गुफा में अंदर जा रहे हैं। तो जिससे अंदर जाते से ही हम लवर पैराडाइज के एकदम पूरे नज़दीक आ जाएंगे, मतलब पूरे लवर पैराडाइज के अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ये देखिए हम लोग लवर पैराडाइज के पूरी तरीके से अंदर आ गए, और कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी वीडियो वगैरह और सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। और देखिए झरना वगैरह पानी का, और बाहर लिखा है लव। ये देखिए कपल्स के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपल के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है, और पेरेंट्स के लिए भी, उनको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर गाने वगैरह बज रहे थे, माहौल बहुत ही प्यारा था। और ये देखिए झरना, मुझे पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऐसे झरने वगैरह। वो गाना वगैरह बज रहे थे तो माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए, डांस कर रही हूँ मैं। ये देखिए नित्या के साथ मैंने डांस किया थोड़ा सा। ये देखिए फैमिली वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही है।
कपल्स वगैरह ही फोटो क्लिक करवा रहे। झरने के पास में थोड़ा जाकर मैंने वीडियो बनाई, फोटो वगैरह क्लिक करवाए। मुझे पानी के साथ बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखिए अब हमको अंदर जाना है इस कपल्स के अंदर, लेकिन ये दोनों कपल्स हमको जाने ही नहीं दे रहा जब से फ़ोटो क्लिक करवा रहे। बस इनका जैसे ही फ़ोटो क्लिक हुआ और मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद देखिए बहुत बड़ा सा झरना मिलता है हमको, ये देखिए। उसके बाद हम और अंदर गए गुफा में, और ये देखिए गुफा से हम जैसे ही पूरे अंदर गए तो ये देखिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हमको देखने को मिलते हैं, जो पानी के झरने के अंदर गुफा के अंदर बैठे हुए। बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखिए स्प्रिंकल हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, और स्टेचू कितने प्यारे प्यारे स्टेचू बने हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए पानी भी है, ऊपर बहुत बड़ा झरना भी है, और ये देखिए ऊपर हार्ट बीट भी है, हार्ट बीट का मतलब बना हुआ है। और ये मेन है, ये जो स्प्रिंकल हो रहा है उसका बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, तो यहाँ पर भी हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी। तो यहाँ पर भी हमने फ़ोटो वगैरह वगैरह क्लिक करवाया और वीडियो वगैरह बनाई मैंने यहाँ पर। यहाँ पर भी गाने वगैरह बज रहे थे तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा डांस किया। अब हम चल रहे हैं और बाहर की ओर, और यहाँ हमने देखा बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये क्या है? तो ये यहाँ पर बहुत सारे हार्ट वगैरह बने हुए हैं, सब लोग फ़ोटो वगैरह, सेल्फी पॉइंट है ये भी, तो यहाँ पर सब लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फैमिली कपल्स वगैरह। और साइड में रेनबो है, ये देखिए, ये देखिए सीरो को कितने अच्छे फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। और थोड़ा सा पास में वृंदावन है जो हम सबसे लास्ट में जाएंगे, तो पहले मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। देखिए पास में स्टेचू बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे स्टेचू कपल के बने हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। ये देखिए भीड़ यहाँ कम हो गई, तो मैं आ गई हूँ अपना मोबाइल लेके, और यहाँ पर मैं भी वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए डांस भी कर रही हूँ सॉन्ग पर, बहुत ही प्यारी वीडियो फ़ोटो वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर सेल्फी पॉइंट में। और ये देखिए ये है मून जो मैंने आपको बताया था ऊपर से, यहाँ पर फैमिली वगैरह या कपल्स वगैरह बैठते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर वीडियो फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं लोग, लेकिन यहाँ बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम भी लाइन में लग गए। तो लाइन तो बहुत बड़ी थी क्योंकि लोग कपल्स में भी वीडियो बना रहे थे और फिर सिंगल में भी वेट कर लोग ऊपर नीचे कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। तो मैंने सोचा जब तक ये खड़े हुए थे लाइन में, तो मैंने और वीडियो वगैरह और फ़ोटो वगैरह लेने लगी साइड में जा जा के। ये देखिए रेनबो कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखिए पास में एक स्टेचू था तो मैं वो दिखा देती हूँ कितना प्यारा स्टेचू है। और ये देखिए नित्या भी बोर हो रही थी क्योंकि उसके पापा लाइन में लगे हुए थे, तो वो फूल वगैरह के साथ खेलने लगी। और ये देखिए ये एक और सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर स्टेचू गोल घूम रहा है, और यहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट है। इसके आगे एक झूला था जहाँ बैठकर मैंने बहुत देर तक झूला, और स्प्रिंकल भी हो रहा है, पानी के छींटे भी आ रहे हैं, ये देखिए पानी का फुव्वारे भी चल रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारा नंबर आ ही गया एक घंटे बाद दोस्तों, और हमने किसी को मोबाइल दे दिया था कि हमारी वीडियो ले लेना और फ़ोटो भी क्लिक कर लेना, तो एक लड़की ने हमारी वीडियो और फ़ोटो ली। और ये देखिए हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं और अलग अलग पोज दे रहे हैं हम वीडियो में, ताकि फ़ोटो में भी आते जाएँ। और फिर धीरे 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 हम लोग नीचे आ गए। इसके बाद हम थोड़े और आगे बढ़े तो ये भी एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ लिखा था लव, तो यहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह कुछ क्लिक नहीं करवाए। हम थोड़े और आगे बढ़े और ऊपर देखिए पैरोट का एक स्वीट का कपल बैठा हुआ है, एक कोई अपनी वाइफ को बुला रहा है शिल्पा नाम से, तो हम दोनों हंसने लगे क्योंकि मेरा नाम भी शिल्पा है। तो बस अब हम लोग भी इस हार्ड वाले गुफा के अंदर जाने लगे।
गुफा में बहुत अंधेरा था तो हमने अपने मोबाइल की टार्च वगैरह ऑन कर ली थी, और जैसे ही जैसे हम गुफा के बाहर गए तो एकदम से उजाला सा आ गया और अंदर हमें इस तरीके का झरना देखने को मिला जहाँ पर सभी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे। इसके लिए ऊपर की ओर चढ़ना पड़ रहा था हम लोगों को, तो हम लोग तो थक गए थे क्योंकि एक घंटे हमें वहाँ लाइन में लगे, टिकट के लिए लाइन में लगे तो थक गए थे। तो फिर सोचा कि जाएं कि नहीं, तो फिर मैंने बोला कि मैं और नित्या चले जाते, आप रहने दो। तो मैं और नित्या चले गए, ये नीचे से वीडियो ले रहे, तो इन्होंने नीचे से वीडियो भी लिखते और मेरी जब पब्लिक पूरी चली गई थी तो फिर मैंने उनको भी बुला लिया था कि आ जाओ आप भी ऊपर, कोई नहीं है। तो ये देखिए ये भी ऊपर आ गए और ऊपर से हम लोग एक फ़ोटो वगैरह लेने लगे, वीडियो वगैरह बनाने लगे। बहुत ही चिकनी जगह है, बहुत ही संभल कर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। बहुत ही प्यारा झरना था, नित्या को भी बहुत मज़ा आ रहा था, हमको भी बहुत मज़ा आ रहा था। बस फोटो वगैरह क्लिक कराने के बाद, वीडियो वगैरह बनाने के बाद हम लोग नीचे उतरने लगे। नीचे उतरने के बाद जीने के पास ये झरना था तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई, मेरी सेल्फी फ़ोटो वगैरह ली। और एक बच्चा चढ़कर आ रहा था, उसके पेरेंट्स वगैरह ऊपर चढ़ चुके थे तो वो थोड़ा सा फिसल गया था। तो ये देखिए फिर मैं नीचे आ गई थी तो फिर से एक सेल्फी पॉइंट मिलता है हार्ड वाला, जहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं कराए थे क्योंकि बहुत फ़ोटो वगैरह हो गए थे। और ये देखिए एक स्टेचू देखने को मिलता है प्यारा सा। थोड़े और आगे गए तो हमको ये देखिए छतरी वाला पेड़ मिलता है, कलरफुल छतरी वाला। और ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेचू बने हुए जो अपनी ही जगह पर राउंड राउंड मतलब राउंड सर्कल कर घूम रहे थे। ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पर स्टेचू वगैरह बहुत ही सारे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेचू देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर। और ये देखिए ये कलरफुल छतरी वाला पेड़, यहाँ पर हम लोगों ने भी वीडियो वगैरह और फोटो वगैरह क्लिक किए और नित्य और हम दोनों ने डांस किया यहाँ पर भी, बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए क्यारियों में बहुत ही प्यारे प्यारे फूल वगैरह लगे हुए थे, मतलब पूरे लवर पैराडाइज में मतलब पेड़ पौधों से एकदम घिरा हुआ था। और बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेचू देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर भी। ये देखिए आगे थोड़े हो जाकर आगे दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना प्यारा स्टेचू है, ये देखिए ये देखिए कितने प्यारे प्यारे स्टेचू देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर। ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा स्टेचू था। थोड़े और आगे गए तो ये हार्ड बना हुआ था और बीच में झूला लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी बच्चे वगैरह अच्छे से झूल रहे थे। बहुत ही प्यारी ये भी सेल्फी पॉइंट है। थोड़े और आगे जाते हैं तो एक और सेल्फी पॉइंट आता है। ये देखिए नित्या को देखिए थक गई है तो पापा के ऊपर बैठ गई है। नित्या को भी बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर नित्या ने भी बहुत एंजॉय किया। ये देखिए एक और सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर भी लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। और ये देखिए रोज़ पे हमने भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये रोज़। तो हमने यहाँ पर भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया और वीडियो वगैरह बनाई। फिर उसके थोड़े ही आगे हम जाते हैं वृंदावन। वृंदावन आगे से गुफा जैसा है और इसका एग्ज़िट और एंट्री एक ही है। और ये देखिए बाहर से पत्तियों से घिरा हुआ है। फिर अंदर गए तो अंदर बहुत ही अंधेरा था और ऊपर पत्तियाँ वगैरह लगी हुई थी। ये देखिए अब अंदर जाते से ही देखिए पूरा वृंदावन जैसा बना हुआ था, बिल्कुल मथुरा वृंदावन जैसा पूरा डेकोरेट किया हुआ था। अंदर कान्हा जी बैठे हुए हैं और बंसी बजा रहे हैं और साथ में राधा जी बैठी हुई है जो उनकी बंसी को सुन रही है। और अंदर मोर देखिए कितनी प्यारी लग रही है, जो पंख खोल रही है और बंद कर रही है। पीछे झरना वगैरह बना हुआ है और नीचे बदक और हिरण और खरगोश वगैरह बैठे हुए, मोर वगैरह बैठी हुई है। बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है यहाँ पर हमें। साइड में गाय वगैरह हैं, ग्वाले वगैरह हैं, जो गाय वगैरह चलाते हैं वो खड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारा लगता है बिल्कुल वृंदावन। और बंसी इतनी प्यारी बजा रहे थे, ऐसा लग रहा था बस वहीं बैठे रहो और सुनते रहो उनकी बंसी।
इस वृंदावन को पूरे पेड़ों से ढाका हुआ था, पत्तियों से ढाका हुआ था। वैसे तो वो नकली ही थी पत्तियाँ, लेकिन बहुत ही प्यारा माहौल बना के रखा था। और बंसी तो ऐसा लग रहा था बस सुनते जाओ। तो हम लोग एग्ज़िट होने लगे, तो एग्ज़िट का रास्ता एक ही है, एग्ज़िट और एंट्री का रास्ता। और अब हम एग्ज़िट हो रहे हैं बाहर। तो ये देखिए मोर कितनी प्यारी लग रही है, मोर को बस देखते जाओ और कान्हा जी की बंसी सुनते जाओ। बहुत ही शांति हमको यहाँ पर लगी, मतलब मन को बहुत ही अच्छी लगा हमको यहाँ पर। तो बस अब हम एग्ज़िट हुए वृंदावन से। बस वृंदावन से एग्ज़िट होने के बाद ये देखिए ऐसे कार राइड करने का है, डांसिंग कार वगैरह का यहाँ पर है, यहाँ का अलग से चार्ज वगैरह है। फिर उसके बाद ये देखिए शाम होने लगी है। और फिर उसके साइड में देखिए बच्चों का, किड्स का बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटी थी। ये देखिए साइकिल का ऐसे राउंड राउंड करके एकदम स्पीड से आएंगे तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पर। और ये बैठने का था, ये भी जैसे साइकिल घूम रही थी ऐसे ही यहाँ बैठकर गोल घूमने का था। और ये देखिए बच्चों की एक्टिविटी का यहाँ पर बहुत अच्छा था। तो नित्या को यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, तो नित्या को यहाँ पर स्लाइड करा रहे थे हम लोग। तो नित्या ने यहाँ पर बहुत मस्ती की। ये देखिए बड़े मिक्की माउस पर नित्या चढ़ रही है और ये नित्या ने स्लाइड करी, जंपिंग करी नित्या ने यहाँ पर। नित्या को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। ये देखिए नित्या जंपिंग करने लगी है और ये छोटी मिक्की माउस में भी नित्या को हमने चढ़ा दिया था। यहाँ पे भी नित्या ने बहुत एंजॉय किया। बच्चे यहाँ बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बच्चों को यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। बच्चों की एक्टिविटी यहाँ पर बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए छोटी सी स्लाइडिंग है बच्चों की, तो नित्या यहाँ पर स्लाइड कर रही है। ये देखिए नित्या ने यहाँ पर बहुत अच्छे से स्लाइड की। ये छोटी सी स्लाइडिंग थी छोटे बच्चों के लिए। और छोटे छोटे झूले वगैरह आते हैं जहाँ पर नित्या ने झूला थोड़ी थोड़ी देर। ये देखिए नित्या झूला झूल रही है। बच्चों की काफ़ी सारी एक्टिविटी थी यहाँ पर, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे यदि आप बच्चों को लेकर आते हैं तो। और ये देखिए ऐसे टेंट हाउस वगैरह बने हुए हैं, ये इसकी भी बुकिंग होती है। बहुत ही अच्छे रूम्स वगैरह हैं इसके अंदर। और ये थोड़ा खेत जैसा बनाया हुआ है और जो भी पौधे वगैरह इन्हें लगाए हुए हैं उसके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। और ये टेंट हाउस वगैरह है, इसके अंदर रूम वगैरह है, तो आप इसकी भी बुकिंग करवा सकते हैं। और ये देखिए नित्या फिर से स्लाइड कर रही है। और यहाँ पर कैमल राइड वगैरह भी है। और दो कैमल थे, एक तो राइड पर निकल गया। और ये देखिए दो हॉर्स थे इसमें, वाइट कलर का एक, ब्राउन कलर का, तो वाइट कलर का भी एक राइड पर निकल गया है। तो हॉर्स राइड भी है, कैमल राइड भी है यहाँ पर। और यहाँ बच्चे और बड़े का बंजी जंपिंग भी मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर ये भी मिलेगा आपको, इसका नाम तो नहीं पता क्या है। और ये देखिए एक बच्चा बंजी जंपिंग कर रहा है। और ये नित्या कैमल राइड की जिद कर रही थी तो उसको कैमल राइड तो नहीं कराई, बस बिठा दिया है फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है कैमल पर बैठने के लिए, तो मैं नहीं बैठी थी और इनका मन नहीं था बैठने का। और ये देखिए अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो ये एक थिएटर है 9D करके, यहाँ पर कुछ फिल्म वगैरह दिखाते होंगे, छोटी वगैरह शॉर्ट्स मूवी वगैरह दिखाते होंगे। इसका अलग से चार्ज था तो हम लोग नहीं गए यहाँ पर। और अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे। तो ये देखिए 7 बज गए और ये देखिए लाइटिंग वगैरह भी चालू कर दिए, कितना प्यारा लगने लगा है लवर पैराडाइज। नाइट के टाइम भी ये अच्छा लगता है। और इतनी कितनी प्यारी प्यारी लाइट जल रही है, ग्रीन रेड ब्लू। और ये देखिए ऊपर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, लाइटिंग जलने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और माहौल भी बहुत प्यारा हो गया है यहाँ पर, सभी लोग डांस करने लगे म्यूजिक पर। लेकिन हम लोगों को लेट हो रहा था इसलिए हम लोग निकलने लगे थे, 7 बज गए थे। और सबकी लाइट चालू हो गई थी यहाँ पर, मतलब फुव्वारे वगैरह चालू कर दिए थे। लाइटिंग में भी लवर पैराडाइज बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसका टाइमिंग मुझे नहीं पता है क्या है, हम लोगों को 7 बज गए थे। वैसे हमने सुना था कि 5 या 6 बजे तक खुला होता है, लेकिन
7 बज गए थे हम लोगों को निकलते निकलते। और ये देखिए नित्या फिर से बुड्ढे बाबा के ऊपर बैठने लगी है। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद रिसोर्ट में, तो हम लोगों ने वहाँ पर लवर पैराडाइज में तो हम लोगों ने वहाँ पर कुछ नहीं खाया था, तो बाहर आकर हमने थोड़ा सा आधे किलोमीटर बाहर आकर हमने थोड़ा सा नाश्ता चाय वगैरह खा पी ली थी। तो ये देखिए ये एक होटल में रुक गए और भजिए ले रहे हैं और 3 कप हमने चाय ली यहाँ पर। ये कैफ़े भी बहुत प्यारा था क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगा था और हम लोगों को इतना लेना भी नहीं था, सिर्फ हम लवर पैराडाइज के लिए ही गए थे। तो हमने यहाँ पर चाय और थोड़े से भजिए खाए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि आपको ये लवर पैराडाइज पसंद आया तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। यदि आप पुणे में रहते हैं, क्योंकि नई खुली हुई है तो अभी नई नई एक्टिविटी है वहाँ पर, और कपल्स और फैमिली और बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग घर यहाँ से निकल गए घर की ओर। और ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको लवर पैराडाइज कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तो जब तक बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।